नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं SSC के द्वारा जारी किए गए MTS और हवलदार के पदों से संबंधित जानकारी। इसके लिए अंतिम तिथि एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आपने भी ऑनलाइन मोड में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो डिटेल में एक बार फिर से हम इन पदों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही अंतिम तिथि की सूचना भी यहां पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने MTS और हवलदार इन CBIC और CBS के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया नई भर्ती के लिए, उसके लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए एक बार फिर से सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, SSC के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार CBIC और CBN एग्जामिनेशन 2024 के अंतर्गत, यहाँ अंतिम तिथि जो रखी गई ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की 31 जुलाई थी और फीस पेमेंट आप कर सकते थे 1 अगस्त 2024 तक। साथ ही आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते थे 16 से 17 अगस्त 2024 के बीच में। एग्जामिनेशन शेड्यूल रखा गया था अक्टूबर नवंबर 2024 में। तो अब आपको बता दें, अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ हम पहले आपको अंतिम तिथि से संबंधित जो एक्सटेंशन लेटर है SSC के द्वारा जारी किया गया, यहाँ आप देखेंगे एक्सटेंड द क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024। पहले 31 जुलाई थी, अब इसको बढ़ाकर 3 अगस्त 2024 तक कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन फीस पेमेंट आप 4 अगस्त 2024 रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 16 से 17 अगस्त 2024 के बीच में। अन्य सभी जो कंडीशंस हैं वो 27 6 2024 के आधार पर अनचेंज रहेंगी। तो एक नज़र यहां पर डाले लेते हैं पदों से संबंधित डिटेल जानकारी पर भी। तो दोस्तों, वैकेंसी जो टोटल थी SSC MTS की यहाँ पर 4887 थी, जबकि हवलदार की 3439 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। इन पदों के लिए जो आवेदक की नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। आवेदन से संबंधित आयु सीमा 1/8/2024 के आधार पर फिक्स की जाएगी। MTS के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 99 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि हवलदार के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। कहने का मतलब है, आवेदक का जो जन्म है 2 अगस्त 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। SC ST को अधिकतम आयु सीमा 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की, PWD को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, और ऐसे कैंडिडेट जो कि डाइवोर्सी, विडोज या जुडिशली सेपरेटेड महिलाएं हैं, उनको 35 साल की आयु तक वो अप्लाई कर सकती हैं जनरल कैंडिडेट में, जबकि SC ST में 40 साल की आयु तक अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2024 के आधार पर फिक्स की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2024 तक आपके पास वो मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ आवेदक के पास में मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पहले। एप्लीकेशन फीस यहां जो पेमेंट करनी है अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। जबकि सभी वर्गों की महिलाएं SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। फीस पेमेंट यहाँ आप
जो एक्सटेंडेड डेट है उसके अकॉर्डिंग 4 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 16 से 17 अगस्त 2024 के बीच में। पहली बार अगर आप करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि दूसरी बार करेक्शन करने पर 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें बाद में कोई भी चेंजिंग नहीं संभव हो पाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड लेटर एनी अंडर सर्कमस्टेंसेस। यहाँ जो स्कीम है एग्जामिनेशन से संबंधित MTS के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसी तरह हवलदार के पदों के लिए भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा हवलदार के पदों के लिए। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो 13 रीजनल लैंग्वेजेज हैं जैसे आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसी भाषाओं में भी एग्जामिनेशन बुकलेट आपको दी जाएंगी। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा इसमें सेशन 1 के अंतर्गत न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर 20-20 प्रश्न होंगे 60-60 अंकों के, 45 मिनट का यहाँ पर कुल समय मिलेगा। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर 25-25 प्रश्न होंगे 75-75 मार्क्स के, यहाँ पर भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो हर गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा सेशन 2 के एग्जामिनेशन के लिए, जबकि सेशन 1 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए हवलदार के पदों के लिए वॉकिंग यहाँ पर होगी पुरुषों के लिए 1600 मीटर की 15 मिनट में, जबकि फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत पुरुषों की जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी गढ़वाली पहाड़ी एरियाओं के कैंडिडेट्स के लिए। पुरुषों की जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम 5 एक्सपेंशन यहाँ पर सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हाइट में दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि आसामीज, गढ़वाली और गोरखाज क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स का जो वजन है 48 किलोग्राम होना चाहिए, 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन गढ़वाली या पहाड़ी एरियाओं के कैंडिडेट्स, महिला कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको पोस्ट कम स्टेट्स, UTs या CCAs एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भरने के दौरान किया जाएगा और उसी को फाइनल समझा जाएगा, बाद में उसकी प्रेफरेंस में कोई चेंजेस संभव नहीं हो सकेगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS को 25%, SC ST एक्स सर्विसमैन PWD को 20% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में लाने होंगे तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और PET या PST हवलदार के पदों के लिए जो कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद ही इनके लिए चांस आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आवेदन से संबंधित विज्ञापन को आवश्यक रूप से पढ़ लें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंडेड डेट के साथ में 3 अगस्त 2024 तक हर हाल में सबमिट कर दें। कम ही समय है, आज के दिन को लगाकर 3 दिन ही आपके पास बचते हैं, 4 अगस्त तक आप अपने एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों SSC के द्वारा जारी किए गए MTS और हवलदार के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में एक्सटेंडेड डेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं 3 अगस्त तक और फीस जमा कर सकते हैं 4 अगस्त तक।
ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर लिख भेजें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।